जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज की डेट में आप ट्रेलर को देखकर ये पहचान सकते हैं कि यार ये मूवी चलेगी या नहीं चलेगी। मतलब एक मूवी में आज की डेट में सिर्फ एंटरटेनमेंट होना ही काफ़ी नहीं होता, एंटरटेनमेंट सेल्फी में भी था। लेकिन भोला का ट्रेलर देखने के बाद में एक चीज़ बहुत हद तक क्लियर है कि यार ये मूवी हिट होगी, ये मूवी चलेगी। जबकि ये मूवी रीमेक है, मैं यही बता दूँ, उसके बाद भी ये मूवी चलेगी क्योंकि इसके ट्रेलर में ही वो एक वाइब है। ट्रेलर को आप किस तरीके से कट कर रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी आप जगह पा रहे हैं नहीं जगह पा रहे हैं, वो बहुत अहम रहता है। मतलब ये मूवी कैथी की रीमेक है, अधिकतर लोगों ने कैथी देखी हुई है और अधिकतर लोग उस मूवी के फैन भी हैं क्योंकि वो मूवी है ही इतनी अच्छी। पूरी पूरी मूवी रात में बनी हुई है यार, बस इसे अंदाजा लगा लो। तो उसी मूवी की रीमेक जो कि भोला बन के आई है, इसका ट्रेलर वाकई बहुत शानदार है। और वो गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, वो तो जितनी बार भी आता है ना यार, उसका बैकग्राउंड स्कोर जितनी बार भी आता है उतनी बार गूज़बम्प्स देता है। माथे पर त्रिपुण लगा हुआ है, अजय देवगन अपनी वही, मतलब उनकी आंखें बोल देती हैं यार कि भैया आगे क्या होने वाला है। लिटरली ये मूवी एक एक्शन पैक्ड सिनेमा के तौर पर सामने आने वाली है। और एक बार फिर से इस ट्रेलर को देखने के बाद इतनी बात जरूर समझ में आती है कि कहीं ना कहीं अजय देवगन का इम्पैक्ट एक बार फिर से उसी तरीके से बॉलीवुड पर पड़ने वाला है जैसे कि पहले भी पड़ चुका है दृश्यम 2 के साथ। अच्छा, जितने भी लोगों ने कैथी देखी हुई है ना, जिस मूवी की ये रीमेक है, वो लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको कैथी का सिर्फ और सिर्फ एक बेस स्टोरी आएगा, एक एसेंसी देखने के लिए मिलने वाला है। मोटे तौर पर कहानी में काफी सारे एडवांस हैं। कैथी में एक लव स्टोरी की बात अगर हम करें तो वो भी नहीं थी, पुलिस वाले का रोल इतना इंपैक्टफुल था नहीं, या हो सकता है यहाँ पर तबू और अजय देवगन को हाईलाइट करने के लिए इस चीज को दिखा दिया गया। अगर हम एक्शन की बात करें, भोला के जितने भी एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर ट्रेलर में दिखाए गए हैं वो सभी मतलब टॉप नॉच एक्शन सीन्स हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा अजय देवगन द एक्टर की तरफ ही नहीं, अजय देवगन द डायरेक्टर की भी तरफ। उनकी यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर इन सभी चीजों को सिंक्रोनाइज किया है और एक ऐसा प्रोडक्ट आपके सामने निकाल कर दिया है जिसको देखने के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि यार इसकी कहानी क्या होने वाली है। कैथी की कहानी बहुत ही सिंपल सी है, उसमें कोई बहुत मतलब ऐसा उतार चढ़ाव नहीं है। बट यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन ने दृश्यम 2 की सफलता से सीख लेते हुए यहां पर काफी व्यापक तौर पर और काफी अच्छे और काफी बड़े चेंजेस भी यहां पर किए हैं, जो कि इन दी एंड मुझे ऐसा लगता है कि मूवी को लेकर काफी फायदे का सौदा साबित होने वाला है। अजय देवगन द डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी मूवी है जो कि उनके डायरेक्टर का जो करियर है, एज अ डायरेक्टर उनका जो करियर है उसको एक अलग मुकाम पर पहुंचाने वाली है। और इस मूवी को देखकर आपको लिटरली ये चीज महसूस होगी कि नहीं, यहां पर ये मूवी लिटरली थिएटर्स में हिट करेगी। अजय देवगन फैंस इस समय गागा जा रहे हैं कि भैया नहीं, ये मूवी तो तहल तहलका ही मचाने वाली, तबाही मचाने वाली है। इन सब चीजों के अलावा इस मूवी में वो सभी कॉमर्शियल एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं जो कि एक मूवी को और बड़े लेवल पर हाइप करने के लिए हेल्प करते हैं। अब उन कॉमर्शियल एलिमेंट्स के बारे में मैं जाऊंगा तो यहाँ पर काफ़ी हाहाकारी वाली बात हो जाएंगी, तो उनको हम वहीं रहने देते हैं। इसके अलावा इस मूवी में जिस भी चीज़ को प्रेजेंट किया गया, चाहे आप एक्शन सीन्स की बात कर लें, चाहे वो जो स्लोमोज दिखाए गए हैं आपको ट्रेलर में, आप उनकी बात कर लें, नाइट सीक्वेंसेस मूवी में काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं तो नाइट सीक्वेंसेस को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। तबू का रोल जो कि एक पुलिस वाली का रोल है यहाँ पर, उस रोल को किस तरीके से लार्जर देन लाइफ वाला रोल करके दिखाया गया है उसका प्रेजेंटेशन काफी बेहतर है। मतलब बंदी का हाथ टूटा हुआ लेकिन हाथ टूटे हुए हाथ के साथ में ऊपर से नीचे कूद जाती है, तो इस तरह से जो प्रेजेंटेशन है ऑल इन ऑल अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छा निकल के आया है। लव स्टोरी का यहाँ पर जो एक एडिशन है वो भी एक मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा एक थर्ड डायमेंशन इस मूवी को ऐड करेगा जो कि आपको देखने में शायद और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे इस कहानी को। ट्रेलर की जो यहाँ पर पंच लाइन थी कि यार जो लड़ाई होती है वो दिमाग से जीती जाती है, हौसलों से जीती जाती है, संख्या से या फिर बल से नहीं जीती जाती, मतलब तुम्हारे पास इसका होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ इस मूवी में जो एक सबसे बड़ा इमोशनल फैक्टर जोड़ा गया है वो ये है कि ये एक बाप और बेटी के रिश्ते की कहानी है कि कैसे उन दोनों के बीच में ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो इस मूवी में अगर हम ऑल इन ऑल बात करें तो सारे एलिमेंट्स कहीं ना कहीं ऐड किए गए हैं जो कि इस मूवी को एक ग्रैंड मूवी बनाने की तरफ लेके जाएंगे और लिटरली ये मूवी ग्रैंड होने भी वाली है। अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देख लिया तो आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।